हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। क्रूड में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी जो बनी है, अभी 5-7% ऊपर चला गया, $85 के आसपास है, और अभी उम्मीद है कि ये $90 को भी क्रॉस करेगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन कट किया गया है 16.5 लाख बैरल पर डे का, ये अनएक्सपेक्टेड था, बाजार ने इसकी उम्मीद की नहीं थी, तो इसकी वजह से इन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। हालांकि इसके साथ एक कैच है, अभी सरकार विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा देगी इस पर, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं कि चूँकि अभी तो एक महीने डेढ़ महीने तक जो है, जब तक रिवीजन नहीं होता तब तक इनकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी, तो इस पर ध्यान रखा जा सकता है। 8, 9 और 10 नंबर के शेयर हैं IOC और HPCL। देखिए OMCs के लिए बिग निगेटिव है ये, हम लोग इसलिए नेगेटिव कह रहे हैं क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से ये लोग अपना सब कुछ ठीक ठाक कर पाए थे, और अभी ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो और चुनावी वर्ष है, तो क्या सरकार चाहेगी कि पेट्रोल डीजल हर दिन 25-30 पैसा बढ़े? नहीं बढ़ने देगी, तो उसकी वजह से OMCs के सामने फिर वो अंडर रिकवरी खड़ी होना शुरू हो जाएगी अगर क्रूड ऐसे ही $90 के ऊपर सस्टेन करता रहेगा। तो ये एक बड़ी मुश्किल हमको लगता है OMCs के सामने है। और अभी देखिए, आपने याद किया होगा कि चुनाव का असर यह था कि LPG पे 200-250 रुपये पर सिलेंडर सब्सिडी सरकार ने दी है, तो OMCs के लिए थोड़ा सा अच्छी खबर नहीं है आज की। पेंट और ये सब भी इसमें शामिल कर लीजिएगा, लेकिन हमने ये दोनों